और वही राजधानी दिल्ली के मुंडका में आग से कोहराम मचा हुआ है। शुक्रवार की शाम को एक कमर्शियल बिल्डिंग में आग लग गई। आग लगने से अभी तक 27 लोगों की मौत हो गई, वह 19 लोग गंभीर रूप से आपको जानकारी दे कि लापता भी हो गए हैं और 12 घायलों का अस्पताल में इलाज भी जारी है। वही घटना के बाद से इलाके में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इलाके में हुए दर्दनाक हादसे के बाद स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी पहुंचे और घटनास्थल का जायजा भी लिया। इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये ठीक उसके बगल की इमारत है और आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। आपको हम तस्वीरें एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं आईटीवी नेटवर्क पर और आपको हम दिखा दें कि जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कैसे चल रहा है। आपको हम यहाँ से दिखाना चाहते हैं कि आप तीसरे फ्लोर के हम आपको एक्सक्लूसिव यहाँ से तस्वीरें दिखा रहे हैं आईटीवी नेटवर्क पर कि कैसे जो मकान में आग लगी थी उसके तीसरे फ्लोर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इस वक्त उसके जो बगल की जो इमारत है वहाँ से आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये वही इमारत आपको हम दिखा दें कि जिसमें आज आग लगी थी। 27 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो कूलिंग का ऑपरेशन है वो लगातार किया जा रहा है। दमकल की तमाम टीमें, एनडीआरएफ की तमाम टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे वो बगल की इमारत से थी और वहाँ से अभी के समय जो तमाम कूलिंग के काम है वो किए जा रहे हैं ताकि कूल होने के बाद जो बिल्डिंग है उसके दोबारा से सर्च किया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि क्या कोई इंसान अभी भी अंदर बिल्डिंग के फंसा हुआ है। जर्नलिस्ट अजय के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।